हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रेडमी नोट 7 की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये मैंने अनबॉक्सिंग के लिए ये फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है ये फ़ोन मैंने। ये देखिए, ये फ़्लिपकार्ट का ये मेरे पास पैकेट आया हुआ है, मैं इसे ओपन करवा रहा हूँ। ये ओपन हो रहा है, ये पैकेट, ये ओपन करा मैंने ये पैकेट को। और इसका जो मार्केट प्राइस है वो लमसम 14 या 15 हज़ार के आसपास का है, बट ये मुझे फ़्लिपकार्ट से 11,399 रुपये का मिला है। हालांकि प्राइस इसका 11,999 रुपये है, बट मैंने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से इसे ऑर्डर किया था, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे 600 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया था। और इसके अलावा ये हमारा बिल था, और ये हमारा ये पैकेट है जिसमें ये डिब्बा है, इसे मैं ओपन करवा रहा हूँ। ये ओपन हो रहा है, जिसमें कि इस डिब्बे में हमारा मोबाइल, और देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें रेडमी ने दिया है अब की बार इस डिब्बे में। तो ये हमारा बॉक्स बाहर आते हुए, देखिए रेडमी नोट 7, देखिए कितनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का इन्होंने पैकिंग दी है रेडमी नोट 7 की। ये देखिए नोट 7 बाय Xiaomi, और ये इसके कुछ फीचर्स हैं। इसका MRP आप देखेंगे तो 14,999 रुपये का इसका MRP है, मार्केट प्राइस। और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा लगता है मेड इन इंडिया लिखा हुआ, और इसमें डबल कैमरा, बैटरी बैकअप है। और ये देखिए रेडमी नोट 7, ये साइड में इसके ब्रांडिंग दी गई है इन्होंने। और इसे मैं अब ओपन कर लेता हूँ, इसे मैं ओपन करके देखते हैं डिब्बे के अंदर क्या क्या है। इसमें साइड में सीलिंग टेप दी गई है, जिसे मैं हटवा रहा हूँ। इसे हटाते हैं, साइड में सीलिंग टेप है, इसे हटाते हैं, ज़रा देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या चीज़ हैं, कुछ नया कुछ पुराना, क्या देखते हैं क्या दिया है आपके बार रेडमी ने। ये है इसमें ऊपर की साइड कुछ पैकेट है, इस पैकेट में खोल के देख लेते हैं हम है क्या इस पैकेट में। इस पैकेट में आई थिंक कवर है, इसका बैक कवर है इसका, हाँ इसका बैक कवर है इसका पैकेट में बैक कवर है। ये इसका सिलिकॉन बैक कवर है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, और देखने में अच्छा लग रहा है, ताकि मोबाइल के बैक साइड में कोई फिंगर प्रिंट ना लगे। और ये देखिए, मैंने ब्लू कलर में इसे ऑर्डर किया था, 4 64 GB में, 4 GB RAM, 64 GB इंटरनल, और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम क्वालिटी लग रही है। पीछे ग्लास है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये। और ये रेडमी नोट 7, इस पर सामने इसके पन्नी स्क्रीन पे लगी हुई है, और देखिए इसके डबल लेंसेज और फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में है, डबल लेंस, नीचे उसकी फ्लैश लाइट। और ये साइड से मैं आपको इसका व्यू अभी दिखाता हूँ मैं इसका। ये देखिए साइड में इसके सिम ट्रे है यहाँ पर, और नीचे टाइप सी का चार्जिंग जैक है, और साइड में आपका वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है, और ये आपका साइड में ये रहे सारे आपके बटन हैं, पावर बटन। और ये ऊपर 3.5 mm जैक, और लेंस है आपका टीवी लेंस, जिससे आप टीवी और अदर चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है मुझे ये नोट 7, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। नीचे की साइड स्पीकर्स और टाइप सी जैक दिया गया है, जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए बहुत ही अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजी दी है इन्होंने रेडमी ने इतनी कम प्राइस में। और इसके साथ ये इसका पावर चार्जर है, इसका ये 2 एम्पियर का चार्जर है इसका, फास्ट चार्जिंग के लिए। और इसी के साथ उसके साथ और क्या दिया है हमें, ये इसकी केबल भी दी हुई है हमें, ये जैक का, इसका मैं दिखा देता हूँ आपको चार्जर का, ये पूरा फ्रंट। और ये केबल आप देख रहे हैं, इसका केबल टाइप सी की केबल है ये। पीछे ये आपका जैक, इसमें देख देखिए आपका ये जैक है इसमें। और इसी के साथ डिब्बे में और कुछ नहीं है, बाकी ये डिब्बा सारा ब्लैंक है और कुछ नहीं है। आपका चार्जर है, सिलिकॉन कवर है, आपकी चार्जिंग केबल है। अब हम इस फ़ोन को एक बार ऑन करके देख लेते हैं, ये ऑन होकर हमें कैसा लगेगा, कैसा दिखता है, इसकी क्वालिटी क्या है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, एक बार ऑन कर लेते हैं हम इसे, देख लेते हैं ऑन करके। ये इसे हमने ऑन किया, ये देखिए रेडमी की ब्रांडिंग सबसे पहले इसमें दिखाई दी है, रेडमी बाय Xiaomi। ये देखिए इसका ऑन होते हुए ये सिलिकॉन कवर, ज़्यादा कुछ मतलब ठीक है जो भी कुछ दिया है रेडमी ने डिब्बे में। देखते हैं अभी ऑन हो रहा है हमारा फ़ोन, ऑन होते हुए देख लेते हैं इसे क्या हुआ है इसमें। रेडमी नोट 7 का ये प्रोसेसिंग हो रहा है, MIUI 10 पे अब की बार आया है ये, MIUI 10 पे। अच्छा है, ठीक है, इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से हमें चूज़ लैंग्वेज करनी थी, चूज़ लैंग्वेज हमने करी इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं इसे, यहाँ से करते हैं, यहाँ से हमें रीज़न, हमें इंडिया का, इंडिया चूज़ करना था यहाँ पर। चलिए इसे देख लेते हैं बाद में, देख लेते हैं इसमें, पहले डिब्बे में देख लेते हैं क्या है इस डिब्बे में, और कुछ है क्या, कुछ नया देख लेते हैं, कुछ नया हमें मिला हो इसमें। इसमें और कुछ नहीं है, हमें कुछ यूज़र मैनुअल दी गई हैं, और ये
सिम एग्जैक्ट ट्रे दी गई है हमें, ये मतलब सिम ट्रे निकालने के लिए पिन दी गई है उसकी, और कुछ खास नहीं है इस डिब्बे में। बाकी फ़ोन बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत अच्छा लगा फ़ोन मुझे, बिल्कुल डॉट नॉच दी गई है इस पर, वो भी वहाँ पर कैमरा है, बहुत ही मतलब ब्लू कलर इतना मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ब्लू कलर। ये देखिए 4000 mAh की बैटरी है, बैक साइड में दो कैमरे हैं, एक 12 MP का एक 2 MP का है, और डिस्प्ले आप देख रहे होंगे 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 660 है, मतलब बहुत स्मूथ प्रोसेसिंग कर रहा है। और ये मुझे जब चार्ज हुआ मिला था करीबन 73 करीबन चार्जिंग मिला था मुझे, हाँ गुड क्वालिटी है, बाकी अच्छा है, अगर आप प्रेफर करते हैं तो बेस्ट फ़ोन है बजट में, 12,000 की रेंज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और फ्लिपकार्ट पे कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, और अब ये आसानी से अवेलेबल भी है, इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। ये इसके साथ और कुछ इसका कवर अवर नहीं है, मतलब टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, अगर टेम्पर्ड आपको चढ़ाना है तो आप बाहर से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए।